हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फैक्टो एक्सपेरिमेंट के एक न्यू वीडियो में। आज हम जिस वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं वो आपके लैपटॉप से कनेक्टेड है कि आप अपने ओल्ड लैपटॉप को किस प्रकार सेल कर सकते हो, या आपके पास ऐसा कोई लैपटॉप जो पूरी तरह से डेड हो चुका है आप उसको किस प्रकार सेल कर सकते हो। जैसे हमारे पास डेल का 5520 लैपटॉप है और हमें इसको सेल करना है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसकी मदरबोर्ड जा चुकी है और यदि आप इसको मार्केट में सेल करने जाओगे तो आपको कोई 5000 रुपए से ऊपर नहीं देगा, लेकिन हम इसके पार्ट को सेल कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि आप इसके पार्ट को किस प्रकार ओपन करोगे और किस प्रकार आप इसको सेल कर सकते हो। तो बनिए रहे वीडियो में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये रहा डेल का 5520 लैपटॉप जिसके हार्ड ड्राइव को हमें एक्सटर्नल ड्राइव में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि लैपटॉप के बैक पैनल में आ जाते हैं, और बैक पैनल में आपको यहाँ पे 3 स्क्रूज दिख रहे होंगे, तो इन 3 स्क्रूज को आसानी से ओपन कर देना है। इस प्रकार आपको यहाँ पे इसकी हार्ड ड्राइव दिख रही होगी, इस हार्ड ड्राइव में भी जो स्क्रू लगे हैं उन्हें आपको खोल देना है। और जब ये स्क्रू खुल जाए तो इसके बाद आपको ये आपकी हार्ड ड्राइव है, इसको आपको हल्का सा बाहर के लिए प्रेस करना है और इस ऐसे आपको इसको बाहर निकाल देना है। और इसके साथ का आपको एक केस की जरूरत पड़ेगी, जो कि हमने इसके लिए एक केस मंगाया, ऑनलाइन एक केस ऑर्डर किया है जो कि रिको कंपनी का है, बहुत ही अच्छा केस है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। फिर आपको ये इसके जो स्क्रू हैं उनको ओपन करना है। और ये ओपन करने के बाद इस प्रकार लगेगा। इसके बाद आपको इसके केस को ओपन कर देना है, ये रिको कंपनी का केस है, इसको आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। और इसको ओपन करने के बाद आपको ये इस प्रकार से इसके अंदर प्रेस करना है और आसानी से लग जाएगा। इसके बाद आप इस केस को आसानी से क्लोज कर सकते हैं। अब हमें ये चेक करना है कि ये काम कर रहा है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको इसके साथ केस के साथ जो ये डाटा केबल मिली है इसको किसी लैपटॉप पे कनेक्ट करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। अपने लैपटॉप को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आपको दिख रहा होगा कि इसमें सिर्फ 4 ड्राइव बनी हुई है, तो हम क्या करते हैं अब अपनी एक्सटर्नल ड्राइव को इसमें लगा के देखते हैं कि ये सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये लाइट जल चुकी है, अब देखते हैं ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये ब्लिंप होने लग गई, इसका मतलब है कि ये आसानी से काम कर रहा है, और आप आसानी से देख सकते हैं ये नई ड्राइव बन चुकी है और ये बढ़िया काम कर रही है। तो इस प्रकार आप अपने किसी भी ओल्ड लैपटॉप की हार्ड ड्राइव को एक्सटर्नल ड्राइव में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।